हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। डियर, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका अपना खुद का पर्सनल एंजल नंबर क्या है, फिर आप उसे कैसे ढूंढ सकते हैं अपने पर्सनल एंजल नंबर को। ये नंबर ऐसा है कि अगर आपको एक बार मिल जाता है तो फिर पूरे यूनिवर्स, पूरे एंजल्स, कोड सब आपकी हेल्प करने में लग जाते हैं। एंड आप देखिएगा कि जब ये एंजल नंबर आपको मिलता है तो उसके कुछ दिन बाद से ही आपकी जो लाइफ है ना, वो बहुत अच्छी होने लगती है। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा नज़र आने लगता है एंड एकदम से शांत और बहुत ही अच्छे से दिमाग से इस वाली वीडियो को देखिएगा एंड अपने एंजल्स नंबर को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डियर। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप सबका और आपको दिखाऊँगी कि किस तरह अपना एंजल्स नंबर निकाल सकते हैं। देखिए डियर, अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका जो ईयर है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर 1988 है, तो आपको इसमें क्या करना है कि ये जो सारे नंबर्स हैं आपको इन्हें अलग अलग कर कर जोड़ लेना है। जैसे कि 1 + 9 + 8 + 8, जैसे कि 9 1 9 8, ऐसे करके आपको जोड़ लेना है। फिर इसको इक्वल करना है, इसे इक्वल करने के बाद नंबर आएगा 26, है ना। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो आपका ईयर है आप उस हिसाब से देख लेना, फिर 26 आएगा। 26 के बाद आपको फिर से इन्हें ऐड करना है 2 + 6 कर कर, अलग अलग कर कर आपको ऐड करना है। इसके बाद जब आप इन्हें अलग अलग कर कर ऐड करेंगे, उसके बाद 6 और 2 8 8 आएगा। 8 आने के बाद आपको क्या करना है, इतना आपने निकाल लिया, अब आपका एंजल नंबर हुआ 8। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर आप मेल हैं तो आपको 8 में से -11 करना है, आपको इसमें से 11 में से 8 को माइनस करना है। उसके बाद आंसर आएगा 3। तो अगर आप मेल हैं तो आपको 11 माइनस करना है डियर, तो 3 आंसर आएगा, यानी कि आपका एंजल्स नंबर 3 है। रुको रुको यार, अभी बताएंगे कि इसका करना क्या है। अब आपको पता चल गया है कि आपका एंजल नंबर 3 है। अब देखते हैं जो वुमेन्स होती हैं, जो फीमेल हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपको उनमें 4+ करना है। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ का जो जुड़कर नंबर आया था वो 8 था, अब इसमें आपने +4 किया, उसके बाद 12 आया है। तो अगर आपका नंबर 12 आता है, 11 आता है, 10 से ऊपर आता है, तो आपको उनमें फिर ऐसा करना है 1+2 करना है। अगर 2 डिजिट आते हैं तो आपको फिर से उन्हें ऐड करना है, जैसे कि मैंने किया है 1 1+2। तो फिर अगर आप इसे करते हैं, इन्हें दोबारा ऐड करते हैं, तो आपका आंसर आएगा 3। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का सन होता है, ईयर होता है, तो उसके हिसाब से आप करना। अब देखिए, आपको अपनी हथेली लेनी है जहाँ पर मैंने 3 लिखा है, यानी कि इस डेट ऑफ बर्थ से ईयर से जो एंजल नंबर निकल कर आया 3 था, उसको सेम आपको इसी जगह पर लिखना है जहाँ पर देखिए मैंने आपको दिखाया है, हथेली पर बिल्कुल इस जगह। अब आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल सुबह के टाइम यहाँ पर इसे देखिए आपको लिख लेना है, शाम को ही लिख लीजिएगा। फिर आपको इसे सुबह उठते ही आपको देखना है और इस पर अपनी विश मांगिएगा कि आपको क्या चाहिए। ऐसा आपको सिर्फ 8 दिन करना है। जब आप 8 दिन तक लगातार ऐसा करेंगे, 8 या फिर 7 दिन तक, तो देखिएगा आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। ये बिल्कुल एकदम से काम करता है, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। माइंड में कोई भी बेकार ख्याल मत आने देना, ये एंजल नंबर आपके लिए आता है निकल कर, और आपको हथेली पर ठीक इसी जगह से लिखना है, किसी भी ग्रीन पेन से लिखना है। देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए रेड से लिखा है, लेकिन आपको इसे ग्रीन पेन से लिखना है। एंड थैंक यू वेरी मच डियर, ये आपका एंजल नंबर है, ये आपकी विश ज़रूर पूरी करेगा। थैंक यू डियर।